हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आशा करते हो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक साइड है हम लोगों का इंडियन कार्स का लाइनअप एंड भाई दूसरे साइड है पाकिस्तान कार्स का लाइनअप। एंड भाई आज हम लोगों का सीन कुछ अलग होने वाली है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, हम लोगों के सामने तीन बड़े साइज का पिरामिड से आप लोग देख सकते हो। एंड इधर से हम लोग अपने इंडियन कार एंड पाकिस्तान कार्स को ले जाएंगे। एंड देख सकते हो भाई कितना ज्यादा बड़े साइज का पिरामिड से, एंड बीच बीच में भाई स्पीड बूस्ट लगा हुआ है ताकि पिरामिड को अच्छी तरीके से क्रॉस करने के बाद एक ट्विस्ट यहाँ पर होने वाली है, जो कि भाई देखेंगे। इस भाई जो नदी है भाई, इस नदी में जो गाड़ी गिर जाएगा एंड भाई बंद हो जाएगा, वो गाड़ी भाई मतलब फेलियर लिस्ट पे आ जाएगा। एंड जो गाड़ी भाई पानी के गिरने के बाद भी ऑन होने तक गाड़ी इस पार तक आ जाएगा, यहाँ पर जो आप लोग ग्राउंड देख सकते हो इधर तक जो गाड़ी आ जाएगा वो गाड़ी भाई विनर लिस्ट पे आ जाएगा। तो भाई बहुत ही सिंपल सी आप लोगों को समझा दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले भाई कोई हम लोगों का एक इंडियन गाड़ी लेके चलते हैं, जो कि हम लोगों के पास है भाई महिंद्रा XUV700। तो हम लोगों का ट्विस्ट तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी होने वाली है। देखते भाई हम लोगों का कौन सा इंडियन गाड़ी यहाँ पर विनर लिस्ट पे आ पाती है। तो XUV700 भाई फुल स्पीड में, ओ हो, यहाँ पर 210 217, ओ माय गॉड, ओके 220, ओ भाई 220 तक गया आई थिंक। एंड गाड़ी भाई, चलो भाई पिरामिड को तो पार कर गया भाई, पानी में गिरेगा गाड़ी भाई। हम लोगों का ये गाड़ी अगर पानी में गिरने के बाद भी भाई वहां पर चला जाएगा उस पार तक, तो भाई गाड़ी विनर लिस्ट पे आ जाएगा। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पानी है। ओ भाई ऑन है गाड़ी, ओ हो, अभी जाके गाड़ी बंद हो गया भाई। हम लोगों का गाड़ी इन तक ऑन था भाई साहब, मतलब मुझे लगा गाड़ी भाई बंद हो गया, लेकिन नहीं भाई, जान तो इसमें है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये गाड़ी फेलियर लिस्ट पे आ जाती है, इसको अभी छोड़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की भाई बहुत ही शानदार गाड़ी, जिसका नाम है भाई टोयोटा लैंड क्रूजर। एंड भाई इसमें जो पावर है भाई, सच बताओ बहुत ही तगड़ा पावर है। देख लेते हैं भाई टोयोटा लैंड क्रूजर क्या भाई पिरामिड को क्रॉस करने के बाद भाई उस पार तक जा पाएगा या नहीं। तो गाड़ी भाई स्लो नहीं भाई, 200 280, ओ भाई 220 तक चला गया, 224 225, ओ हो 227 तक गाड़ी ने जंप लगाया था। एंड भाई यहाँ पर गाड़ी बहुत ही सही तरीके से जंप तो ले लिया, एंड शायद से गाड़ी भाई इस पार जाके गिरेगा। हाँ भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोयोटा लैंड क्रूजर भाई यहाँ पर भाई विनर लिस्ट पे आ जाती है। भाई साहब इतना हेवी वेट गाड़ी होने के बाद भी ये गाड़ी फाइनली विनर लिस्ट पे आ जाती है। एंड भाई मतलब यहाँ पर पाकिस्तान का तो एक पॉइंट हो जाती है, इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट कोई इंडियन गाड़ी। ओके सो गाइस, अभी हम लोग लेके चलेंगे इंडिया का थार। तो इंडिया भी यहाँ पर बोल रहा है कि भाई मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरे पास भी बहुत ही अनोखी सी गाड़ी है, जो कि हम लोगों का थार 21 मॉडल है। भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों कंट्री का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी देश को यहाँ पर मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, तो यार दिल पे कोई मत लेना। एंड गाड़ी 250 के स्पीड पे। गाइस आप लोग सिर्फ गेम को इंजॉय करना, चैनल पे नए हो तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। इन गाड़ी किधर जाके गिरा है भाई साहब, मतलब हम लोगों ने गाड़ी जहां पर पार्क किया भाई उससे भी ज्यादा दूर जाके गाड़ी गिर रही है, मतलब हम लोग समझ सकते हो भाई साहब। यहाँ पर फाइनली इंडिया का भी हो जाती है एक पॉइंट भाई, यहाँ पर टोयोटा लैंड क्रूजर एंड यहाँ पर हम लोगों का थार दोनों भाई एक एक करके जीत चुका है। सो अभी यहाँ पर दोनों का एक एक पॉइंट हो गया, तो चलते उस पार। ओके सो गाइस, अभी हम लोग लेके चलेंगे पाकिस्तान का एक प्रीमियम सी कार एंड सीडान, जो कि हुंडई सोनाटा है। तो देखते भाई हुंडई सोनाटा क्या भाई विनर लिस्ट में आ पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर गाड़ी भाई फुल स्पीड में चल चुकी है, ओ हो भाई 200 यार इजी, ओ भाई 230, ओ भाई साहब 233 पे गाड़ी ने जंप लिया, मतलब कितना सही जंप लिया भाई साहब यहाँ पर। लेकिन ओ हो चलो विनर लिस्ट पे मे भी आ जाएगा गाड़ी। एंड भाई आप लोग देख सकते हो हम लोगों का XUV पानी के नीचे है, एंड गाड़ी भाई साहब गाड़ी ओ गाड़ी बंद हो गया। अरे भाई गाड़ी बंद हो गया, आप लोग देख सकते हो गाड़ी मेरा भाई चल रहा भाई, मुझे दिख भी नहीं रहा तो गाड़ी से उतरता हूँ भाई। भाई मेरा गाड़ी बंद हो गया, गाड़ी मछली का तरह बेंड हो गया। एंड वहाँ पर XUV भी आप लोग देख सकते हो भाई, इतनी की वजह से पानी, मुझे लगा था गाड़ी विनर लिस्ट पर आ जाएगा गाइस, उसके लिए ही तो मैंने कहा यहाँ पर एक ट्विस्ट है। एंड भाई ये ट्विस्ट आप लोग देखा भाई कितना ज्यादा मजेदार हो रही है भाई। ओके सो गाइस, अभी हम लोग लेके चल रहे हैं हम लोगों का इंडिया का मारुति सुजुकी डिजायर। ये भी हम लोगों का एक भाई सेडान गाड़ी है, देखते भाई क्या हम लोगों का डिजायर भाई क्रॉस करने के बाद। फिलहाल पिरामिड तो छोड़ो भाई, पिरामिड को भाई क्रॉस तो कर रही है बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन भाई यहाँ पर ट्विस्ट जैसे गाड़ी भाई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है भाई साहब। एंड गाड़ी यहाँ पर भाई 220 में जंप लिया, शायद से गाड़ी कर नहीं पाएगा मुझे जितना तक लग रही है, कही होगी भाई हम लोगों का जो पाकिस्तान का हुंडई सोनाटा था भाई वो उतना अच्छा खासा जंप लेने के बाद भी नहीं कर पाया। देख सकते हो भाई XUV से भी भाई पीछे गाड़ी नहीं गिरा,
एंड भाई साहब भाई साहब भाई साहब कितना भाई मछली की तरह इधर उधर कर रही है। एंड गाड़ी भाई देखो सोनाटा के बाजू में चला आया, क्या सीन है भाई। तो यहाँ पर हम लोगों का डिजायर भी फेल हो गया, तो चलते भाई लेते हैं नेक्स्ट इंडियन गाड़ी। भाई अभी हम लोग भाई इंडियन तो गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, पाकिस्तान का लेके जाएंगे भाई, मैंने गलती से कह दिया भाई इंडियन गाड़ी। तो भाई यहाँ पर पाकिस्तान गाड़ी अभी ले जाने के टाइम है। एंड भाई हिलक्स 4x4 है, पावर तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन जंपिंग चैलेंज में भाई 230 चला गया, चलो बहुत ही सही है, 250 भी चला जाएगा गाड़ी, लेकिन जंपिंग चैलेंज में थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत दे सकती है, क्योंकि हम लोग का जो गाड़ी है भाई बहुत ही ज्यादा वेट में ज्यादा है भाई, आप लोग देख सकते हो भाई। ओ भाई नहीं भाई, ये गाड़ी भाई मिट्टी में जाके गिरेगा। ओ भाई साहब क्या सही परफॉर्म किया, मुझे लगा था भाई ये गाड़ी कर नहीं पाएगा, लेकिन नहीं भाई, टोयोटा हिलक्स के अंदर भी तगड़ा वाला जान है। एंड फाइनली यहाँ पर भाई टोयोटा हिलक्स भी विनर लिस्ट पे आ जाती है गाइस। तो यहाँ पर पाकिस्तान का 2 पॉइंट है, इंडिया का तो 1 पॉइंट है, तो लेते हैं भाई नेक्स्ट को इंडियन गाड़ी। ओके सो बॉयज अभी हम लोग लेके चलेंगे इंडिया का भाई हम लोगों का नई नवेली होंडा सिटी 2022 मॉडल। एंड भाई पावर तो इसमें बहुत ही सही गाड़ी है भाई, बहुत ही सही पावर है, देख लेते भाई गाड़ी क्या भाई हम लोगों का चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं भाई। 220, ओ भाई 220 से ऊपर नहीं जा रहा, ओ भाई गया भाई हम लोगों का भाई होंडा सिटी, मुझे लगा था बहुत ही आगे तक जाएगा, लेकिन भाई दुख के साथ कहना पड़ रही है हम लोगों का होंडा सिटी भाई गया पानी में भाई। अरे यार होंडा सिटी गया भाई साहब, मेरे होंडा सिटी गया यहाँ पर एंड पानी में जाके गाड़ी बंद भी हो गया एंड यहाँ पर भाई फेल हो गया। इंडिया का तो 1 ही पॉइंट है, देखते लेते हैं नेक्स्ट पाकिस्तान लेके चलेंगे पाकिस्तान का भाई आउटलैंडर को, तो देख लेते हैं भाई आउटलैंडर का पावर। तो यहाँ पर गाड़ी फुल स्पीड में, ओ भाई पावर तो इसमें भी बहुत ही सही है भाई, देख सकते हो आप लोग। ओहो 230, ओ भाई साहब क्या है ये 250 भाई, जंपिंग चैलेंज इसका हमेशा की तरह बहुत ही सही रहता है भाई आप लोग। ओ भाई क्या सही जंप लिया भाई, क्या सही जंप लिया भाई पाकिस्तान का आज भाई जंपिंग। ओ भाई किधर जाके गाड़ी गिर रही है भाई, ओ भाई क्या है ये, अरे भाई साहब किधर जाके गाड़ी गिरा भाई, बहुत ही सही जबरदस्त परफॉर्म किया। तो इसको भाई लेके चलते उस पार। ओहो हम लोगों का भाई दूसरे गाड़ी किधर गया, इधर है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान का तो 3 पॉइंट्स हो गया है भाई, इंडिया का तो 1 ही पॉइंट हुआ है अभी। ओके सो गाइस अभी हम लोगों का ओड़ा को ले जाने का टाइम है, बहुत ही हल्की गाड़ी एंड पावर भाई पावर जबरदस्त है भाई। यहाँ पर देख लेते हैं गाड़ी 250 भाई चला जाएगा बहुत ही इजी तरीके से, 250 चला गया, चलो बहुत ही सही है। एंड इसका भी जंपिंग चैलेंज देख लो भाई, 260 पर जंप किया, इसका जंपिंग चैलेंज देखना बनता है ब्रो। लेकिन भाई आउटलैंडर जैसा भाई जंप नहीं किया भाई, आउटलैंडर क्या जबरदस्त जंप किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया का भी फाइनली 2 पॉइंट हो गया आप लोग देख सकते हो, पाकिस्तान का तो भाई 3 पॉइंट्स हो ही गया, मतलब बहुत ही सही जंपिंग चैलेंज कर रही है आज पाकिस्तान। यहाँ पर भाई 3 एंड 2 पॉइंट है। अभी हम लोग लेकर चलेंगे पाकिस्तान का किया स्पोर्टेज को एंड भाई देखेंगे किया स्पोर्टेज का पावर, तो देख लेते हैं भाई इसका भी पावर। ओके लेट्स गो। तो यहाँ पर गाड़ी मतलब स्लो डाउन करके ही भाई चल रही है, 150 चलो चला गया, 160 190 200, ओ माय गॉड 220 भाई ये गाड़ी नहीं कर पाएगा, 220 पे अटक गया गाड़ी। ओ भाई सब गया गाड़ी खत्म, टाटा भाई भाई यहाँ पर गाड़ी का हम लोगों का खेल खत्म हो जाएगा, अभी पानी में जाके सीधा गिरेगा गाड़ी। ओ भाई साहब एंड भाई भाई इसका सनरूफ टूट जाएगा, ओ गया नहीं भाई बच गया। तो जो भी है गाड़ी तो भाई फेलियर लिस्ट पे आ गया, यहाँ पर बिना कोई क्रैश हुए तो पानी में गिर रहा है उसके वजह से क्रैश कोई मतलब ज्यादा नहीं पड़ रही है गाड़ी में। तो चलते भाई लेते हैं नेक्स्ट इंडियन गाड़ी। ओके सो बॉयज अभी हम लोग फिर से लेके जाएंगे दूसरे एक बीस जो कि हम लोगों के पास है महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 भाई, पावर भाई देखना है आप लोगों को, देख लो भाई पावर कितना है कितना नहीं। यहाँ पर गाड़ी भाई 200 चलो 200 ओके 220 पे अटक गया, ओ माय गॉड भाई क्या है ये भाई 220 पे अटक गया, मुझे लगा था गाड़ी बहुत ही आगे तक जाएगा, लेकिन नहीं भाई ये गाड़ी भी हम लोगों का खत्म भाई खत्म। मुझे लगा था भाई स्कॉर्पियो आगे जाके गिरेगा, लेकिन भाई ये तो सीधा पानी में जाके गिर रहे रे बाबा भाई 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 भाई, 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 भाई ओ भाई ओ ये भाई मतलब भाई महिंद्रा में तो भाई कुछ तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा भाई। भाई जो भी गाड़ी गिर रहा है भाई सीधा जाके गाड़ी बंद हो रही है, लेकिन भाई नहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो देखो भाई गिरने के बाद भाई बहुत ही नजदीक गिरा था, तो उसके कारण भाई बहुत ही इजी तरीके से विनर लिस्ट पे आ गया भाई, बहुत ही सही लगा भाई स्कॉर्पियो के लिए भाई 1 लाइक बनता है। यहाँ पर इंडिया का 3 पॉइंट्स एंड पाकिस्तान का भी भाई अभी 3 पॉइंट्स है। तो गाइस अभी हम लोग लेके चलेंगे भाई पेराडो को एंड भाई देखेंगे पाकिस्तान का टोयोटा पेराडो
कैसा परफॉर्म करती है। सो लेट्स गो बॉयज, देख लेते हैं एंड तक अभी इसका परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हो भाई पेराडो बहुत ही स्लो चलती है भाई, बहुत ही स्लो। 200 भी नहीं गया, ओके चलो 200 चला गया। अरे गाड़ी 290 पे अटक गया भाई, ख़त्म। मे बी ख़त्म भाई गाड़ी, क्योंकि भाई जम तो एकदम ही घटी वाली है अभी। गाड़ी वेट में तो ज़्यादा है उसके कारण, मुझे जितना तक लग रही है ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो गया गया एंड भाई पेराडो भी अभी भी नहीं, बंद हो गया गाड़ी, बंद हो गया। तो यहाँ पर फेलियर लिस्ट पे आ गया। तो चलो लेते भाई नेक्स्ट इंडियन गाड़ी। सो गाइस अभी हम लोग लेके चलेंगे भाई अपन लोगों का इंडिया का टाटा सफारी 2021 मॉडल भाई। एंड गाड़ी वेट में बहुत ही ज़्यादा है, एक बात तो मानना पड़ेगा भाई, वेट में तो ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि भाई ये टाटा कंपनी का गाड़ी है भाई। बिल्ड क्वालिटी को लेकर भाई हमेशा की तरह बहुत ही आगे चलते हैं भाई टाटा, हम लोग का रतन टाटा जी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई बिल्ड क्वालिटी नहीं आई मीन जंपिंग चैलेंज तो बहुत ही सही लिया था, लेकिन भाई वेट ने इसका धोखा दे दिया भाई। सब एकदम सबसे पीछे जाके गाड़ी गिर रही है, आप लोग समझ सकते हो वेट कितना ज़्यादा है भाई। देखो कोई कोई गाड़ी भाई कितना आगे तक चल रहा था, लेकिन भाई पानी जहाँ पर गिरा गाड़ी वहाँ पर ही रुक गया, तो कितना ज़्यादा वेट है। लेकर चलेंगे पाकिस्तान का फोर्ड एक्सप्लोरर को, तो देख लेते भाई फोर्ड एक्सप्लोरर को पावर। तो यहाँ पर हम लोगों का फोर्ड एक्सप्लोरर बहुत ही सही तरीके से तो चल रही है अभी, एंड तक देखना पड़ेगा भाई। और इंटेरियर भाई देख सकते हो आप लोग थोड़ा बहुत ओवरऑल लुक एंड यहाँ पर ओके ओके 219 पे गाड़ी अटक गया भाई साहब। एंड यहाँ पर जम भाई बढ़िया लिया था एंड आप लोग देख सकते हो भाई, मुझे जितना तक लग रही है गाड़ी आ जाएगा। हो गाड़ी अगर बंद ना हो ना गाड़ी आ जाएगा। ओ भाई गाड़ी को पीछे धकेल दिया भाई, गाड़ी को पीछे धकेल दिया भाई, इस गाड़ी को पीछे धकेल दिया, नहीं तो भाई गाड़ी एकदम विनर लिस्ट में आना बनता है। देखो भाई अभी आप लोग बहुत सारा भाइयों कहेगा कि भाई तूने भाई इसे भाई नज़दीक आके गिरा फिर भी नहीं दिया। देखो भाई स्कॉर्पियो भी नज़दीक आके गिरा था भाई, बहुत ही पानी में ही गिरा था, लेकिन वो गाड़ी भाई पीछे नहीं चलाया, वो गाड़ी सीधा आगे निकल गया। लेकिन ये गाड़ी भाई पड़ने के बाद ही, गिरने के बाद ही भाई गाड़ी सीधा पीछे धकेल दिया, तो इसमें तो भाई फेलियर लिस्ट पर आ गया। ओके सो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं हम लोगों का देसी गाड़ी, जो कि है हम लोगों का बोलेरो, महिंद्रा बोलेरो। तो देख लेते भाई महिंद्रा बोलेरो का पावर। तो यहाँ पर गाड़ी फुल स्पीड, ओके बॉयज लेट्स गो 170 200 222 230 भाई, सही है बहुत सही है। 243 245 तक चला गया था शायद से, गाड़ी ने बहुत ही सही जंप लिया भाई, गाड़ी तो विनर लिस्ट पर आ ही गया। एंड यहाँ पर फाइनली हम लोगों का इंडिया का भाई 4 पॉइंट हो चुकी है भाई साहब, एंड पाकिस्तान को तो 3 पॉइंट। एंड भाई क्या लैंडिंग भाई, बहुत ही मजेदार तरीके से गाड़ी गिरा है यहाँ पर। फाइनली यहाँ पर इंडिया का भाई हो जाती है 4 पॉइंट, आप लोग देख सकते हैं इसे यहाँ पर कर देते हैं पार। चलते हैं भाई लेते हैं नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी। okay, so बहुत ही पावरफुल गाड़ी जो कि पाकिस्तान का अल्फा रोमियो भाई, बहुत ही ज्यादा पावर है गाड़ी में। देख लेते हैं भाई ये गाड़ी भाई विनर लिस्ट में अभी क्यों नहीं आएगा, पावर तो इसमें बहुत ही ज्यादा है भाई, बहुत ही ज्यादा पावर है। 223 230 चला गया, चलो भाई आ गया विनर लिस्ट पे भी आ गया। एंड पाकिस्तान का भी भाई चलो 4 पॉइंट्स हो गया है, आपस में बहुत ही ज्यादा भी टक्कर दे रही है भाई साहब। यहाँ पर क्या है भाई जंप लिया यहाँ पर अल्फा रोमियो ने। फाइनली यहाँ पर दोनों कंट्री का भाई 4x4 पॉइंट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। कर देते हैं गाइस इसे भी यहाँ पर पार्क। चलते भाई अभी लेते हैं नेक्स्ट को हम लोगों का इंडियन गाड़ी। सो गाइस अभी हम लोग का लास्ट इंडियन गाड़ी जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर है, तो भाई लेके चलते हैं लीजेंडर को, देख लेते हैं भाई क्या हम लोगों का लीजेंडर भाई विनर लिस्ट पे आ पाएगा या नहीं। बहुत ही ज़्यादा वेट में है गाड़ी, देखते भाई बहुत ही स्लो डाउन चल रही है गाड़ी, बहुत ही स्लो भाई, देख सकते हो आप लोग। ओहो अभी भी 200 नहीं गया, चलो 200 चला गया, 290 पे अटक गया गाड़ी। ओ भाई 219 पे अटक गया गाड़ी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वेट की वजह से तो गाड़ी नहीं जा पाएगा भाई, वेट बहुत ही ज़्यादा है आप लोग देख ही सकते हो। एंड गाड़ी सबसे पीछे भाई गिरी है भाई, सबसे पीछे भाई है, सफारी के पीछे भी गाड़ी गिरा है, तो लास्ट पाकिस्तान गाड़ी है ले लेते हैं उसको भी। तो भाई अभी हम लोग लेके चलेंगे होंडा सिविक को, तो देख लेते भाई होंडा सिविक का भी पावर। एंड भाई हम लोगों का दोनों कंट्री का तो सेम पॉइंट था, इंडिया का भी 4 पॉइंट था एंड पाकिस्तान का भी भाई 4 पॉइंट्स था। तो देख लेते भाई अभी हम लोगों का क्या रिजल्ट निकल के आती है। सिविक भाई कितना स्लो चल रही है भाई, इतना स्लो भाई, हमेशा का तरह भाई स्लो ही चलते रहेगा भाई। इसको मतलब छोड़ के भाई कोई नया गाड़ी सोच रहा हूँ लेके आओ पाकिस्तान का, क्योंकि बहुत सारा भाइयों का कमेंट था। फिर से आप लोग कमेंट करना कौन सा गाड़ी ले आना बेहतर होगा
आइडिया पर आप लोग देख सकते हो होंडा सिविक भी भाई हो जाती है यहाँ पर फेल। एंड भाई आज का मैच बहुत समय बाद भाई ड्रॉ हो गया क्योंकि दोनों भाई कंट्री का सेम पॉइंट था। तो यार वीडियो को अभी एंड भी कर लेते हैं, दोनों कंट्री अभी ड्रॉ मैच पे चल रही है। तो आज के लिए वीडियो से भी नहीं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, सो टाटा बाय।